is Praveen Dabas, and you're watching the India MMA Show. And today, we have a really special guest with us, Mohammed Farhad Sayed. Welcome, Farhad. Thank you so much, and, for calling me. Pleasure. And welcome to the show. Farhad just won his fight at the Brave Combat Championship in Behran. He defeated a fighter called Badr Eddin from Morocco, right? Yeah. He was from Morocco. And a superb fight. It was fought at bantamweight. Farhad won it in the second round by TKO. And it was a really superb fight. We're going to get to that fight and discuss it a little bit in a little bit. Sabse pehle hum thoda sa Farhad bhai ke baare mein janna chahenge. And especially to encourage jo upcoming Indian MMA fighters fight karna chahte hain ya enthusiasts hain. जिन्होंने फाइट देखा और इंडियन एमएमए फाइटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो वी आर स्पेशली लकी टू हैव फरहाद भाई विद अस टुडे, एंड सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो क्रिस साइबोर्ग है, उन्होंने आपका नाम लिया था थोड़े से टाइम पहले इन रिलेशन टू इंडियन फाइटर्स, तो उन्होंने किस उसमें लिया था और आपको कैसे लगा जब उन्होंने आपका नाम लिया? So, अभी क्रिस साइबोर्ग जो है वुमेन में शी इज लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड, या एंड बिगेस्ट प्रमोशन में वो फाइट अभी खेल रही है यूएफसी में, एंड उस वक्त आई वाज इन ट्रेनिंग और जब ही उन्होंने एक कमेंट किया था मुझे उस वक्त, तो वो काफ़ी स्पेशल फीलिंग था उस टाइम भी, बिकॉज इन ऑल ओवर इंडिया अ यूएफसी फाइटर उसने तुम्हें ही क्यों मतलब भेजा, सो ऐसा एक पॉजिटिव मुझे फीलिंग आया जब ही के हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन इसका हो उसके अंदर ऐसा, तो या इट वाज अ गुड फीलिंग। या ग्रेट, वेरी गुड। सो वी होप मेनी मोर यूएफसी स्टार्स नोटिस यू और आपके बारे में बात करें। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, आप बॉम्बे से हैं? जी हाँ। आप बॉम्बे में ही बड़े हुए, तो आप थोड़े से अपना बचपन के बारे में बताएंगे ब्रीफ में, और आपको एमएमए में इंटरेस्ट कब आया या मार्शल आर्ट्स में? किकबॉक्सिंग से मेरे ख्याल से आपने शुरुआत की, आपको इन चीजों में मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट कब और क्यों आया? जैसे कि मतलब मोस्टली बॉयज के अंदर होता भी है थोड़ा एक्शन के लड़ने का, थोड़ा रुझू होते हैं जल्दी से, तो बचपन से वैसे ही था नॉर्मल सब था। एक्शन मूवीज देख के एक्शन मूवीज देखता था मैं जब भी वैन डैम था आपका ही जी हाँ, लाइक मेरे गुरुजी थे वो जॉन क्लॉड वैन डैम, तो उनकी मूवीज में काफी देखता था। फिर अब हमारे जो ब्रूस ली है फादर ऑफ एमएमए, उनकी भी काफी वो देखते थे एक्शन, ठीक है वो तो हर कोई देखता है, हर बच्चा वो देखता है, ठीक है। तो आई यूज़ टू इवन लैंड अप इन सम फिस्ट फाइट्स, ऐसा होता था कभी स्कूल टाइम पे जो मतलब हर लड़कियों का होता है ऐसा, एक्शन मूवी देख के या जनरली ऐसा, जनरली ऐसा मतलब हर बच्चा इससे मतलब गुजरा हुआ होता है ऐसा है। तो जब भी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था उस वक्त, जैसे कि फाइट्स वगैरह है ऐसा वैसा, मुझे किसी चीज़ का उस वक्त डर नहीं था, और जब मुझे ये फीलिंग आया दैट आई हैव टू बी एन एथलीट द स्पोर्ट्समैन, मुझे बॉक्सर बनना है या किक बॉक्सर बनना है, जब मुझे ये फीलिंग आया था तब मैंने ये इस बात को शेयर किया था अपने फैमिली में, तो मैंने मॉम से बात किया दैट आई वांट टू लर्न मार्शल आर्ट्स, सो शी वाज लाइक व्हाई यू वांट टू लर्न मार्शल आर्ट्स, स्ट्रीट फाइट्स वगैरह करना है ऐसा। तो जब ही मैं बहुत थोड़ा सा सैड हो गया था, फिर व्हेन आई क्लियर्ड माय एसएससी उसके बाद I started doing some part-time job, तो उस फीस से, और बॉम्बे में थोड़ा सा मतलब रेंट वगैरह भी थोड़ा कॉस्टली होता है, तो जिम का फीस भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो उस वजह से फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन बोरीवली, मेरे बेसिक कोच थे मोहम्मद मुस्तफ़ा डोली, ही यूज़ टू ट्रेन मी मुआय थाई, वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, उनके अंडर में मैंने 4 साल ट्रेनिंग किया। I played state level under him और national level भी उनके under में मैंने किया, and I was couple of times national Muay Thai champion, so उन्होंने मेरा basic काफ़ी strong किया था। उसके बाद में सुपर फाइट लीग स्टार्ट हुआ इन इंडिया, SFL स्टार्ट हुआ,
बट मुझे खेलना था एमएमए बिकॉज आई चूज मुए थाई क्योंकि आई वॉन्ट टू यूज ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, मतलब अगर एल्बो भी है तो मुझे आई वॉन्ट टू यूज दैट. या तो उसके बाद में फिर एमएमए सुपर फाइट लीग इंडिया में आया, तो मैंने उसमें खेलने का ज़्यादा सोचा नहीं था ऐसा था, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गुड इन रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग. अभी तो अलहमदुल्ला अच्छा है काफ़ी पहले से लेवल. तो आई वॉज प्लानिंग टू मूव टू थाईलैंड एट दैट टाइम टू ट्रेन सम ग्रैपलिंग और सम एमएमए टू बी मोर गुड टू लर्न द आर्ट, कि मतलब क्या है इसमें स्मार्टनेस इस एमएमए के अंदर, व्हाट ऑल वी कैन यूज. देन एट दैट टाइम जो जब ही सुपर फाइट लीग में से मुझे ऑफर आया था, उन्होंने मेरा वीडियोज़ वगैरह देखे थे कि उसका कॉन्टेंडर्स है नासिक में था जब ही वो, तो मैं वहाँ पे जाके कॉन्टेंडर्स दिया उनका और 31 बाउट्स में से इट वॉज द बेस्ट बाउट. जब ही मेरा फाइट हुआ था बिकी बोरा के साथ में, एंड ही इज अ मुए थाई गाय स्टैंड अप गाय, तो वो टाइम पे काफ़ी मतलब बेस्ट फाइट्स था जब ही, और 31 में से जब मुझे बेस्ट फाइट अनाउंस किया था तभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सुपर फाइट लीग का. तो उसके बाद में फिर मेरा डेब्यू हुआ था स्टार स्पोर्ट्स में सुपर फाइट लीग के फर्स्ट, तो वहां से मेरा स्टार्ट फिर. लेकिन सुपर फाइट लीग से पहले आपने एक और प्रमोशन में फाइट किया था ना? इंटरनेशनल फाइटर्स भी आके खेल सकते हैं. तो आपको कैसे लगा जब SFL थोड़ा सा प्रीमैच्योरली बंद हो गया था? तो आपको कैसे लगा उस वक्त, क्योंकि इंडियन एमएमए फाइटर के लिए सिर्फ उस वक्त SFL था, और हालांकि SFL के अराउंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो है जिसके बारे में हमको बात करने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन आपको कैसे लगा जब वो एंड हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम एक टूर्नामेंट बंद हो जाता है, देन व्हाट वर यू थिंकिंग कि अभी मेरा अगला स्टेप क्या है? सवाल काफी अच्छा है बिकॉज बात तो एकदम सही है कि मतलब SFL के ऊपर ही फाइटर्स डिपेंड थे जब भी. जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही आई वॉज नॉट प्लानिंग टू फाइट इन SFL बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न समथिंग. तो आई वॉज ऑलरेडी प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड, और जब भी मेरा कोर्स स्टडीज चालू था होटल मैनेजमेंट का, तो 1 ईयर वो मेरा कम्प्लीट हो गया था. तो वैसे भी आई वॉज प्लानिंग टू मूव ऑन. ठीक है, जब SFL बंद हुआ तभी भी मैंने मतलब माइंड में ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मतलब सिर्फ यही एक प्रमोशन है. हाँ, बहुत अच्छा स्टार्टअप मिला था उससे, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बने थे, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला था सुपर फाइट लीग में फाइट करने का इंडियन फाइटर्स को. लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे प्रमोशंस है इस वर्ल्ड में. ऑफ कोर्स, या सो आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर दैट. ओके, अभी कॉन्ग्रेट्स जो आपको ब्रेव कॉम्बैट चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिला. एक ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड अपकमिंग टूर्नामेंट एंड इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ. वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिला? बेसिकली फेडरेशन ने आपके बिहाफ पे उनको कॉन्टैक्ट किया या उन्होंने आपके वीडियोस देखे? हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्ट हैपन? फर्स्ट जो हमारा इंडिया और बहरीन का जो फर्स्ट ये हुआ था, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पैच अप लाइक इन एमएमए, तो वो अमेचर से स्टार्ट हुआ था. ओके, जहाँ पे इंडिया वर्सेस बहरीन स्पेशली रखा गया था, उसमें कोई और मतलब कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान या यूरोप का कोई भी नहीं था, इट वॉज स्पेशल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. तो वहाँ पे हमने टीम लेके ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन है वहाँ से हमारा हुआ था एक्चुअली कॉन्टैक्ट. ओके, तो वहाँ से हमने फाइटर्स लोग को वहाँ लेके गए, तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई. इट वॉज अ ग्रेट शो, फर्स्ट अमेचर शो था ब्रेव का. तो उसके बाद में ये प्लानिंग आगे बढ़ी. फिर जो बहरीन के प्रिंस है हिज हाइनेस शेख खालिद, तो ये उनका प्लान था, ये उनका विजन था दैट जो भी ब्रेव का इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, तो एक्चुअली ये वहाँ से स्टार्ट हुआ प्रो जो था इवेंट्स का. तो इट वॉज हिज विजन एंड इन इंडिया फिर ब्रेव वालों ने कॉन्टेक्ट किया और इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन को,
फिर मेरे जो मैनेजर है मिस्टर आदित्य पीएस, उन्होंने मुझे ये सब फाइट्स के बारे में जो प्रस्ताव रहता है वैसा रखा कि ऐसा ऐसा है इसमें, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड उस बेसिस पे फिर हमें कॉन्टैक्ट मिला। जो प्रिंस खालिद है वो खुद भी एक एमएमए में दिलचस्पी ऐसे ट्रेनिंग उन्होंने या फाइटिंग वगैरह की हुई है ना? जी हाँ जी हाँ, प्रिंस ने भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है उन्होंने, और उनके लिए मतलब ऐसा है कि फाइटर्स के लिए लिमिट नहीं है, खैर उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन जो मेरे मैनेजर जो है आदित्य पी एस, उन्हें मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली थी टू फाइट इन द रॉयल फैमिली, ऐसा है। तो प्लस वो फाइट हमारे सामने हुई थी, हम वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। हाँ, तो जो शेख खालिद है हिज हाइनेस, उन्होंने काफी मेहनत की थी उस ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने वेट कट प्रॉपर किया। कौन से वेट पे हुआ था वो फाइट? वो कौन से वेट पे हुआ था? आई कैन गेस इट्स 80 75 टू 80, हाँ इतना मुझे याद नहीं है। केजीज तो उन्होंने लास्ट जो एक एक जो ग्राम होता है, लास्ट 100 ग्राम्स तक उन्होंने कट किया प्रॉपर। अच्छा। और एंड ही इज टेकिंग परमिशन दैट कैन आई ड्रिंक वाटर नाउ। अच्छा। मतलब इतना उन्होंने फॉलो किया, ऐसा प्रॉपर उन्होंने वेट कट किया, प्रॉपर फॉलो किया, और काफी बढ़िया फाइट रही, जो कि वो रिजल्ट भी केज में दिखा था। वो काफी स्पीड था उनका, मेंटेन था, ऐसा था। तो हां ही वन द फाइट बाय टेक्निकल नॉकआउट इन द फर्स्ट राउंड। तो ये प्रूफ है कि उन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी उस फाइट के लिए, उनका फर्स्ट फाइट था, दोनों का फर्स्ट फाइट था। तो मतलब उनका भी फर्स्ट था, आदित्य का भी फर्स्ट फाइट था, सो मतलब मैचअप बहुत अच्छा था। ओके, वेरी गुड। तो कमिंग टू द फाइट, यू नो आई थॉट इट वाज अ रियली गुड फाइट। आपने डिस्टेंस बहुत अच्छा मेंटेन किया। आप यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग एंड फाइटिंग, जो हमको लगा आपका, क्योंकि मुआय थाई स्ट्रॉन्ग है, पंचेस किकिंग। जब अपोनेंट नीचे जा रहा था, यू आर नॉट फॉलोइंग हिम टू द ग्राउंड, यू नो यू आर स्टैंडिंग एंड किकिंग हिम रादर। तो दिस ऑफ कोर्स वाज योर स्ट्रेटजी, बिकॉज़ यू आर प्लेइंग, जो हमको लगा कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को प्ले कर रहे थे। सो स्टिकिंग टू योर स्ट्रेंथ्स व्हिच वर्कड बिकॉज़ यू नॉक्ड हिम आउट इन द सेकंड राउंड। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द फाइट, इज दिस करेक्ट? वर यू नॉट गोइंग, आप जमीन पे इसलिए नहीं जा रहे थे बिकॉज़ दैट इज नॉट योर forte and you wanted to stand and fight and keep the fight on the on its legs. So, my opponent jo tha, he was a great stand-up fighter with around 34 kickboxing fights. And mujhe last mein ye pata, like he was also a BJJ blue belt. Oh, yeah. Yeah. So he was ultimately all-rounder. और जब मैंने उनको टेक डाउन दिया था पंच के थ्रू, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी नीचे। अच्छा। मेरे अपोनेंट ने इशारे से नीचे मुझे वहां पे फंसना नहीं था, ऐसा था। और जैसे मैंने ट्रेनिंग किया वो टीम रिलेंटलेस के साथ में, और उनका काफी ये इस बेस के लिए फेमस है, वो ग्रैपलिंग बेस के लिए काफी फेमस है, और उनके पास टीम रिलेंटलेस इज बेस्ड इन मुंबई या तो, और उनके पास काफी सीजनड फाइटर्स है, ग्रैपलर्स है, लाइक चैतन्य गवली, ही इज द पर्पल बेल्ट एंड ही इज अ फाइटर। तो वो बहुत बड़ा एक रेस्पेक्ट है कि बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टेकिंग अ पर्पल बेल्ट इन बीजेजे इज अ बिग डील। And he also have some blue belts. Sorry, मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात हमने एक बार पहले एक शो पे की थी कि जो इंडियन फाइटर्स का जो जुजुत्सु है वो थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन टू द अदर यू नो डिसिप्लिन्स ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स। सो दिस इज रियली गुड दैट देयर आर सम फाइटर्स हु आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन जुजुत्सु एज वेल। या दैट्स व्हाई इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर अचीविंग सर्टेन लेवल्स इन बीजेजे। That's a big respect, big deal. So, and they also have some blue belts like Sushovan and many more. Okay. And they also competed in Asian Beach Games, which is अभी जो चल रहा है वहीं पे है वो लोग competing in BJJ. तो beach games बोले तो, but they're martial arts games just happening on the beach. Happening on the beach. Yeah. That's why they call the beach games. Beach games. Okay. Exactly.
तो वहां पे वो चल रहा है वो सब उनका ग्रैपलिंग का फाइट्स। तो मैंने ऐसे लोगों के साथ में इस बार ट्रेनिंग किया वो जो ग्रैपलिंग में मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अगर मैं ग्राउंड पे भी जाता था जब भी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसा था, बट आई वॉन्टेड टू मेंटेन माई एनर्जी, मेरा स्ट्रेंथ मुझे बरकरार रखना था, बिकॉज वो मेरे को एक फीलिंग था कि ही इज अ गुड स्ट्राइकर, बट मेरे पावर के ऊपर ही मुझे भरोसा था, तो वो मुझे मेंटेन रखना था और वो ग्रैपलिंग में जाके मुझे उसको यूज नहीं करवाना था। या एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर वन पॉइंट दैट आई कैन जस्ट स्ट्राइक हिम अ क्लीन स्ट्राइक, और वो जब मुझे पॉइंट मिला तब मैंने उसे स्ट्राइक किया एंड आई वॉन्टेड हिम टू गेट ओपन विथ मी, यू नो ही वॉज मतलब थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन कर रहा था एंड ही वॉज रनिंग ऑल द टाइम, व्हेनेवर आई वॉज ट्राइंग टू ओपन अप ही वॉज रनिंग ऑल द टाइम एंड आई वॉन्टेड हिम टू ओपन अप विथ मी, और वो मेरा प्लान काम किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने काफी बात किया है जो कुछ फाइटर्स रन करते हैं, यू नो वी कैन कॉल इट रनिंग, वी कैन कॉल इट समथिंग एल्स, क्योंकि पहले भी काफी ये चर्चा हुआ हमारे जो सेकंड फाइट मैकग्रेगर एंड डियाज का हुआ था। अच्छा। उसमें मैकग्रेगर वाज रनिंग अ लॉट, यू नो वी कैन कॉल इट रनिंग, वी कैन कॉल इट रीसेटिंग, कुछ भी बोल लो, बट दैट्स व्हाट इट वाज। इवन टुडे इन द मेन इवेंट ऑफ सॉरी सम डेज बैक यूएफसी Portland, John Lineker versus John Dodson, Lineker was doing a lot of running. Now, उस fight में हालांकि Conor McGregor भाग रहा था, लेकिन he won. Now, and a lot of people said, oh, you don't marks नहीं minus होते अगर आप भागते हो. लेकिन आज वो जो Lineker और जो Dodson का जो fight हुआ, bantamweight में, उसमें बोला गया कि वो Dodson भाग रहा था ज्यादा, इसलिए उसको लिनेकर को एग्रेशन के लिए मार्क्स मिले। तो ये जो मार्क्स देने का जो तरीका है, इट्स नॉट स्टिल आई फील समटाइम्स इट फेवर्स समबडी, समटाइम्स इट फेवर्स समबडी एल्स। तो ये जो एंड व्हाट डू यू फील पर्सनली, जो क्वेश्चन है एक्चुअली कि व्हाट डू यू फील अबाउट फाइटर्स रनिंग, शुड दे ऑलवेज फेस एंड फाइट, या ये टेक्निक एंड टेक्निकल एडवांटेज है कि यू नो ही इज ट्राइंग टू रीसेट इट एंड कीप द गेम, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल द फाइट ऑलवेज। तो आपको क्या कहना है इसमें? दोनों भी हो सकता है जो आप बोल रहे हो। इफ ही इज रनिंग ही इज लूजिंग पॉइंट्स इन द आई ऑफ जजेस। वही मैं कह रहा हूँ, जो आई ऑफ जजेस भी चेंज होती रहती है। कॉनर मैकग्रेगर नेट डियाज वाली फाइट में मैकग्रेगर डिड नॉट लूज एनी पॉइंट्स बिकॉज़ ही वाज रनिंग, बिकॉज़ ही वाज रनिंग, बट लिनेकर इन अ लॉट ऑफ अदर फाइट्स, लिनेकर डॉटसन द अदर गाय हु वाज रनिंग लॉस्ट पॉइंट्स इन द आईज ऑफ द जजेस। तो आपको क्या लगता है कि ये एक इसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी सम काइंड ऑफ फिक्स्ड रूल, बिकॉज़ ये नहीं होना चाहिए कि कभी कोई भाग रहा है तो फिर भी जीत रहा है, कभी कोई भाग रहा है तो हार रहा है, इसके बारे में कुछ फिक्स्ड रूल होना चाहिए ना कि इफ यू आर रनिंग देन पॉइंट्स विल बी टेकन अगेंस्ट यू बिकॉज़ द अदर वन इज शोइंग मोर अग्रेशन इन फॉलोइंग यू। या ही इज मेंटेनिंग द पेस, ही इज मेंटेनिंग द पेस। सो आप व्हाट डू यू हैव टू से कि पॉइंट्स मोस्टली एमएमए के अंदर यू डोंट गेट पॉइंट्स फॉर पंचेस किक्स, मतलब बॉक्सिंग के अंदर इफ आई टच यू या स्ट्राइक यू तो आपको मैंने अर्न किया सम पॉइंट्स लाइक 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये लिखा गया इफेक्टिव स्ट्राइक्स। या इफेक्टिव स्ट्राइक्स, केज कंट्रोल, या मेंटेनिंग योर पेस, तो इस चीज का पॉइंट्स एमएमए के अंदर मिलता है। मतलब देखे तो दिखना चाहिए दैट हु इज कंट्रोलिंग द फाइट, वैसा है। मतलब अगर मैं ऊपर हूं, इफ आई एम इन द फाइट एंड I'm above him, so I'm controlling him. As I, if I'm landing up more strikes, if I'm taking him towards the cage, और मैंने उसे वहाँ पे पकड़ के रखा हो, तो मेरा उस पे control है. तो judges की eyes में I am winning the fight. तो ऐसा है. तो वहाँ पे भी उस वक्त वही हुआ. जब first round में he was striking me, and I was maintaining the pace at that time. और प्लस मेरा दो टेकडाउन था उसमें, स्ट्राइक से था वो टेकडाउन, सो आई वाज अल्टीमेटली अप, आई वाज ऑलरेडी विनिंग, सो व्हाई टू गो ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट क्रिएट अ स्क्रैम्बल ओवर देयर। तो इसके लिए मैंने उस वक्त सोचा, अगर हाँ मेरा पॉइंट्स थोड़ा नीचे होता, अगर मुझे ऐसा फील होता कि मैंने ऐसे टेकडाउन नहीं लिया, उस टाइम को स्ट्राइक्स ज्यादा किया, ऐसा कुछ है, तो मैं ऊपर जाता उसको थोड़ा सा पॉइंट्स में स्नैच करता, ऐसा करता। अभी एक चीज बताइए, जब फाइट आपकी अपकमिंग फाइट होती है तो उसके लिए आप ट्रेनिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और जैसे आपने बताया टीम रिलेटलेस के साथ आप हैं, तो उनका
एडवाइस क्या रहता है आपके लिए? हर अपॉइंटमेंट के लिए ऑफकोर्स अलग होता है, बट थोड़ा सा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है थोड़ा सा उसके बारे में अगर बता सकते हैं जी। देखिए वैसे तो फाइटर्स जो होते हैं हर किसी का मेथड अलग होता है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग किया था जब ही मैंने कॉन्सेंट्रेट अपने स्विमिंग पे भी किया था, थोड़ा कार्डियो हो गया, साइकिलिंग हो गया, मतलब नासिक से बॉम्बे में साइकिलिंग से आया था करते हुए, तो फिटनेस पे भी काफ़ी मैंने ध्यान दिया था जब भी। तो हर कोच का, हर टीम का, हर फाइटर का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है और प्लान्स होते हैं ट्रेनिंग के, और बट टीम रेलेंटलेस के साथ जब मैंने ट्रेनिंग किया तब मुझे बहुत प्रोफेशनलिज्म लगा उसमें। इस बार मैं फाइट से पहले बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, और मेरा वेट कट जो था वो ऑन ट्रैक था। तो दे मैनेज योर वेट कट आल्सो? दे मैनेज माय वेट कट आल्सो, उन्होंने मुझे डाइट प्लान बताया पूरा, और लास्ट सो दे मॉनिटर एवरीथिंग योर एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो वैसा था। और ट्रेनिंग हमारी होती थी मॉर्निंग में 11 टू 1 या तो फिर 2, वो टाइम पे ग्रैपलिंग वगैरह ट्रेनिंग होती थी, फिर वहीं पे हम रहते थे जिम में, एंड आफ्टर दैट वी यूज्ड टू स्टार्ट अगेन ट्रेनिंग एट 5:30, तो वो 2-3 आवर्स की इवनिंग में होती थी, या तो फिर 7:30 to 10, तो 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम में ट्रेनिंग चल रही थी ऐसा। और बीच में डाइट प्लान्स वगैरह मेरे को दिया गया था, दैट व्हाट आई हैव टू हैव इन ब्रेकफास्ट, कितना फैट्स मुझे लेना चाहिए, कितना कितना प्रोटीन्स मुझे लेना चाहिए, वो सब मुझे बताया गया। So, but apart from that, in the fight camp, of course, the training की जो intensity है वो बढ़ जाती है. But apart from that, are you also learning new techniques all the time, या सिर्फ game plan के ऊपर concentrate होता है कि ये fighter है और ये game plan होना चाहिए? Of course, we are learning something new moves, some new moves on the ground, and they specialize in BJJ. तो of course, मेरा थोड़ा BJJ improve भी हुआ है वहाँ पे. और काफ़ी चीज़ रिवाइज भी हुई है मेरी ऐसा है। तो व्हेन वी वर ट्रेनिंग वो टाइम पे काफ़ी न्यू, बहुत काफ़ी नहीं मतलब काफ़ी सारे मैंने न्यू मूव्स सीखा हूँ बीजेजे में, ग्राउंड गेम में, और बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है। तो इसीलिए मैं उस वजह से आपको बोल रहा था, मैं क्या आई वॉज नॉट फियरिंग टू गो इवन ऑन द ग्राउंड, कॉन्फिडेंस वो फाइट में दिख रहा था, नहीं दिख रहा था वो अलग बात, कॉन्फिडेंस तो था बिल्कुल, लेकिन ये दिख रहा था कि यू आर प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। मैं उसको एज अ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ पॉजिटिव ही बोल रहा हूं कि यू आर प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स, व्हिच इज व्हाट फाइटर्स शुड डू। जोश में आके जो 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 ज्यादा ही जोश में आके खेलता है कि अच्छा नीचे गिरा भी मैं भी नीचे जाता हूं, तो वो फाइटर्स ऑफ कोर्स दे आर नॉट प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, यू नो, सो इट सीम्ड लाइक यू आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम and you are fighting to your strengths, so that is a very good thing, you know, so ye lag raha tha ki aap ek plan ke sath aaye the and you are following the plan, which is a very good thing, like we said, but lekin of course like we said, but that is your strength is stand up, and one should always play to one's strengths, which is great, but of course like you said, if it had to come to the ground, agar grappling or wrestling bjj karna hota to wo bhi aap kar sakte, which is great। Now, एक चीज बताइए, UFC, Bellator, these are the biggest championships of the world, of course. You know, they're the most heavily marketed. India में भी UFC दिखाया जाता है, the fighters are well known, you know, the fights are very big, उनका followership भी काफी बढ़ गया है, viewership बढ़ गया है काफी। आपके दिमाग में है कभी कि you know, people from the UFC, Bellator should notice you and you want to reach that level, and अगर है आपके दिमाग में तो आपको क्या लगता है कि कैसे यू कैन कम इन देयर, उनकी नजर में आप कैसे आ सकते हैं? ऑलरेडी सी दोस गाइस हु आर हैविंग बिजनेस, जिनका ये बिजनेस है टू हैंडल यूएफसी, बेलेडोर एंड अदर प्रमोशंस इन द वर्ल्ड, उन लोगों का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी कंट्रीज के अंदर जहाँ पे उनका नहीं है प्रमोशन, वहाँ पे कौन टॉप फाइटर्स में है उन पे तो ऑलरेडी उनका ध्यान है। ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो, ऑफ कोर्स कौन कहां पर टॉप लिस्ट में है, प्लस क्या है आप रैंकिंग्स में भी हो, रैंकिंग्स में भी नजर आता ही है कौन क्या है। जी हां, तो वैसा उनका नजर तो है, एंड ऑफ कोर्स मेरा भी प्लान है टू फाइट इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रमोशन, बिकॉज़ जैसे कि एवरी मोस्ट ऑफ द रेसलर्स होते हैं उनका एम होता है ओलंपिक्स में कम्पीट करना, तो वैसे अभी जो एमएमए फाइटर्स है दे हैव एम टू कम्पीट इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रमोशन, like UFC, Bellator,
तो उसके लिए इधर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में, कि ब्रेव का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है एंड हम होप यही करते हैं कि ब्रेव बिकम्स अ ह्यूज चैंपियनशिप, इट्स स्प्रेडिंग टू यूरोप आल्सो नाउ एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट. जो प्रिंस खालिद है उनका जो थॉट से दैट इज नॉट लिमिटेड, फाइटर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है उसमें, यू नो कि मतलब अभी तू मेरा है तो मेरे अंडर में रहेगा, ठीक है मैं तेरे को जाने के लिए नहीं दूंगा कहीं पे बाहर, वैसा नहीं है. मतलब उनके अंडर में भले वो ब्रेव हैंडल अभी हो रहा है वहाँ पे बहरेन में, बट उनके अंडर में यूएफसी के भी है गाइस, कबीब द ईगल नूरमागोमेदोव वो भी उनके साथ में है, फ्रैंकी एडगर भी उनके साथ में है, तो ऐसा मतलब काफी प्रमोशंस के फाइटर्स उनके साथ में है, तो कुछ लिमिट्स नहीं है इसके लिए, एथलीट्स के लिए मतलब दे कैन बी फ्री, उनका विजन काफी बड़ा है, सही बात है, तो वो सबको लेके चलने वाले इज द बेस्ट लीडर, ऐसा है. तो ये बात मैं आपको मतलब बोल रहा था कि इस बात पे हम लोग वापस से आएंगे, तो जो वो यूएफसी की बात है, अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि यूएफसी का ऑफर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल अलाउ मी, दे विल हेल्प मी इन दैट इंस्टेड. और बीच में जब ब्रेव के पहले मुझे ब्राजील से एक ऑफर भी आया था यूएफसी के, यूएफसी शायद फाइट नाइट था कुछ ऐसा था, तो मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाना है हमें और कदम रख के आ जाना है, वहाँ पे जाना है हमें और इंडिया का झंडा लहराना है, ऐसा है. तो वी हैव टू डू ट्रेनिंग फॉर देट, अगर हम उस लेवल की नहीं है तो वी डोंट हैव टू गो देयर एंड मेक अ फूल ऑफ अस. सो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी एटलीस्ट व्हाट आई फील इज कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, 2-3 मोर प्रमोशनल फाइट्स, एमएमए फाइट्स एंड अराउंड 6-1 ईयर ऑफ continuous training, 6 months to 1 year of continuous training, good training, तो फिर मैं वहाँ पे खेल सकता हूँ, ऐसा है. So I have a time, I have an ambition of 1.5-2 years now to reach that level. Great. What are the hardships you feel जो Indian MMA fighters face करते हैं? Is it lack of good training facilities या anything else? आपको क्या लगता है कि जो what is the biggest hardship and other hardships which Indian MMA fighters face? India के अंदर training facilities तो है, काफी जगह पे है, तो अगर किसी को training लेना है, so they can go and stay over there. मैं इसके पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारे लोग message करते रहते हैं कि हमको MMA fighter बनना है, क्या करना चाहिए, gym है कोई पास में, क्या है क्या नहीं, तो हम सबसे पहले उनको यही बोलते हैं कि you have to find a good gym near you and we help them in doing that also. कि उनके पास कोई अच्छा सा specifically MMA के लिए gym हो. अच्छा. We help them in finding that also. That's why we're asking you these questions also. अच्छा अच्छा. तो इसलिए आप पूछ रहे हो. तो देखिए, if you want to be a fighter, उसमें बहुत time आपको देना है. अगर आपको घर से कोई pressurize कर रहा है कि आपको studies करनी है, मतलब then you cannot go and stay over there. So what you do is you first complete your studies. या तो फिर with your studies you have to join something and give 1 or 2 hours, एक या दो घंटा अपना दिन भर से आप friends के साथ मत घूमो. You can just go and train in the gym. कोई भी आप ले लो art, martial arts, चाहे वो wrestling हो, वो taekwondo हो, muay thai हो, boxing हो, just learn. Yeah. For 1-1.5 years, make a base. Be capable to stand in the cage. Or in the ring and defend yourself. उसके बाद में if you want to learn MMA, then you can move on learning with grappling. Tell me the gyms, gym के हाथ में भी होता है fighter select करना. इस fighter को हम train करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. अभी सिर्फ जो fans और MMA enthusiasts हैं और जो upcoming fighters हैं उनकी knowledge के लिए, basically क्या होता है, जो fighter होता है वो उनके पास जाके रहता है और जिम उनको सपोर्ट करता है? जी हाँ, करता है, सपोर्ट करता है जिम उनको, बट मैंने भी ऐसा रहा हूँ. इवन आई हैड अ टफ टाइम ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग टाइम्स, जब मैं सीख रहा था, जब मैं लड़ रहा था उस टाइम पे, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग था जब भी,
तो आई हैड अ टफ टाइम लाइक आई हैव टू गो एंड स्टे इन द जिम वहीं पे खाना हमारा बनाना है एंड इट यूज्ड टू बी डाइट फूड तो डाइट फूड का वहीं पे हमें टेक केयर लेना है खुद का वी हैव टू वॉश आवर ओन क्लोथ्स ठीक है फिर नेक्स्ट डे फिर से ट्रेनिंग है तो दिन भर का ट्रेनिंग लेने के बाद में थकने के बाद में यू हैव टू डू योर ओन वर्क लाइक कुकिंग योर डाइट फूड वॉश योर ओन क्लोथ्स देन वहीं पे फिर आपको सोना है देन अगेन फिर मॉर्निंग में फिर से वही सेम रूटीन स्टार्ट हो गया लाइक फॉर टू मंथ्स थ्री मंथ्स गोइंग द सेम थिंग एवरी डे सो दैट इज अ टफ टाइम उसके लिए बहुत पंक्चुअल होना चाहिए बहुत टाइम टेबल वगैरह एकदम सेट होना चाहिए एक एथलीट का अगर और वो एम है तो यू हैव टू डू दैट अभी आप जो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन यू आर अ पार्ट ऑफ द फेडरेशन उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग और एनीथिंग एल्स अबाउट द फेडरेशन फेडरेशन जो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन अभी जो फॉर्म हुआ है जैसे ही वो फॉर्म हुआ फर्स्ट इंडिया वर्सेस बहरीन हुआ सो वो एक बहुत अच्छा ओपनिंग था बहुत अच्छा ओपनिंग था फिर उसके कुछ मंथ्स बाद अभी हमने ये ब्रेव में खेल के आए हैं ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के थ्रू ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन को सक्सेस ऐसा क्यों हुआ बिकॉज उसके अंदर काफ़ी टैलेंटेड और क्वालिफाइड लोग इकट्ठा हुए हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है एमएमए के अंदर भी और जिन्होंने किया है फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मयूर बंसोड़े वो भी हमारे शो पे आए मैंने देखा हुआ तो जी हाँ तो मयूर सर को भी काफ़ी नॉलेज रह चुका है सुपर फाइट लीग के साथ में उन्होंने काम किए हैं आदित्य पीएस है ही इज लाइक फ्रॉम आईटी फील्ड से है वो ही इज इवन माय मैनेजर नाउ और ही इज द ओनली पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ओन बॉडी फोर्स एमएमए एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का प्रमोशन ओन किया है उन्होंने एक टाइम पे और मैंने उसमें फाइट भी किया okay. तो वो उनको उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और फाइटर्स हमारे पास अच्छे हैं काफ़ी फेडरेशन के पास तो ये सब प्लस जो उसका प्रमोशन हो रहा है वो पहले वैसा नहीं हो रहा था जो मीडिया प्रमोशंस हो रहा है सोशल मीडिया प्रमोशंस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन का मीडिया पार्टनर हरी भगीरथ है सो वो भी काफ़ी टैलेंटेड है अपने फील्ड में तो उन्होंने हॉलीवुड पोस्ट प्रोडक्शंस के साथ में काम किया है उन्होंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेटिंग जो होता है उसमें उन्होंने काम किया है तो उसको फोटोग्राफर जी हाँ तो फोटोग्राफी भी कर लेते हैं वो सो ऐसा मतलब लोग जब इकट्ठा होते हैं सो ऑफकोर्स वहाँ पे सक्सेस ही होगा सो इट्स वर्किंग रियली रियली वेल सो दैट्स रियली गुड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज़ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइटर है उसको घर ऐसे मिले जहाँ पे उसको फाइटिंग और ट्रेनिंग के अलावा कुछ और जो सोचने की जरूरत ना हो ही शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स सिर्फ अपना फाइटिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए तो इट्स वेरी गुड कि कई फाइटर्स को आपके लाइक यू आर गेटिंग अ होम वेयर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स और एक थोड़ा सा ट्रस्ट भी काफी स्ट्रांग बनता जा रहा है अभी आपका एडवाइस जो अपकमिंग इंडियन फाइटर्स हैं एमएमए फाइटर्स उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो शुरुआत कर रहे हैं और जस्ट बिल्डिंग देयर करियर्स व्हाट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे भी जो फेसबुक का जो फैन पेज है उसमें वो काफ़ी ऐसे में आते रहते हैं कि भाई मुझे ऐसा करना है वैसा करना है प्लीज़ हेल्प मी फराज सर एंड ऑल लाइक दैट तो उसमें कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टडीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टडीज़ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है यू हैव टू स्टडी एट टिल सर्टेन एज एंड कीप प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स विद दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सी इफ यू हैविंग अ पैशन You follow that passion with your studies. ठीक है once you have become a fighter, आपने तय किया है so after that you should have proper knowledge what you are doing. आप किस स्पोर्ट में खेल रहे हो उसकी आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए किन लोगों के साथ में आपको और फॉर एग्जाम्पल इंडियन फाइटर्स के साथ में ये काफ़ी फेस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट की बात ले लिए तो
तो उनको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है. दे शुड नो एवरीथिंग, मतलब दे शुड बी वेल एजुकेटेड टू, उनको खुद मतलब रीड किया उन्होंने, दे शुड अंडरस्टैंड कि मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जॉब है. कॉन्ट्रैक्ट कैन फिनिश योर करियर, व्हिच इज देखा जाए तो इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज़ फाइटर इतना मेहनत करता है, इतना ट्रेनिंग करता है, और एक गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है पूरा पूरा. बिकॉज़ ऐसे ऐसे भी कुछ प्रमोशंस है इस वर्ल्ड में, they will offer you a contract like a 10 fights contract, a 15 fights contract, an unlimited expiry date. Acha. तो उसमें अगर आपको fights complete ही नहीं हुई है तो contract खत्म ही नहीं होता. ऐसा है. तो ये सब बहुत ये सब चीज की Indian MMA fighters का मुझे ज़्यादा मतलब है कि ये सब चीज का ज़्यादा knowledge होना चाहिए. होना चाहिए. और कुछ भी technical इसमें, और plus अगर ऐसा personally अगर मेरा कुछ advice रहेगा fighters के लिए तो वो ये रहेगा कि स्पोर्ट्स से आप एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो. डू नॉट एक्सपेक्ट, ट्राई टू डू समथिंग फॉर द स्पोर्ट. ऐसा तो ये मेरा एक मेन एडवाइस रहेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कुछ रखते हैं और फिर वो नहीं होता है तो उसमें फिर दिल टूट जाता है. तो एक बैकअप प्लान और बैकअप करियर होना चाहिए जी सबके पास. जी हाँ. बिकॉज ये एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है, मुश्किल करियर है. एंड ऑफ कोर्स फाइट देख के काफी लोगों को जोश चढ़ जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ कुछ और है. you know, हर चीज में ऐसा होता है. हर चीज में ऐसा होता है. स्पेशली इन दिस देयर आर ओनली सम फाइटर्स हु कैन रीच द टॉप एंड गेट अ नेम. सो इन द एंड हम कुछ आपको एक फेवरेट्स आपका पूछना चाहेंगे. सो द पीपल आल्सो नो व्हाट आर योर फेवरेट्स. हु इज योर फेवरेट एमएमए फाइटर in the world, chahe wo UFC ka ho, Bellator ka ho, from anywhere, who is your favorite UFC fighter? UFC fighter, MMA fighter, mein agar aap loge to he is a heavyweight guy, Cain Velasquez. Of course, yes. Wo mera bahut favorite fighter hai, like how he uses his skills, his wrestling and boxing skills, how he use it, how he showcases his talent inside the cage, wo bahut matter hai. Mere liye wo main bahut dhyan se dekhta hu. Plus abhi jo retired रिटायरमेंट ले रहे हैं वो सेल्डो, उनका भी मैं बहुत अभी पक्का नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है वो चालू. ये हो सकता है कि ये निगोशिएशन का तरीका हो उनका कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा और फाइट नहीं दोगे तो. बट या वी होप ही डजंट रिटायर, बट वी डू होप. या तो उनको भी मैं बहुत ध्यान से देखता था जब वो फाइट खेलते थे. और अगर एमएमए छोड़ के पहले जब मैं किकबॉक्सिंग में था तो अर्निस्ट रूस थे, एक किकबॉक्सिंग के लेजेंडरी किकबॉक्सर है, तो उनको मैं बहुत चाहता था कि मेरे कॉम्बिनेशंस इनके जैसे हो. मतलब उनके कॉम्बिनेशंस काफी स्मूथ और सेक्सी थे, मतलब फैबुलस. तो आपने जिन फाइटरों का नाम लिया इनके ऊपर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, द रीजन बीइंग इन द फाइटिंग. एक तो आपको क्या लगता है कि केन वेलास्केस ने जो वर्डोन से हारे हो उस फाइट में उन्होंने क्या गलतियां की? वर्डोन एक काफी स्ट्रांग फाइटर है और उन्होंने द लास्ट एम्पायर जो फेडर एमिलियनको है, उन फेडर एमिलियनको ने काफी फाइटर्स को अपने करियर में डोमिनेट किया है और काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को डोमिनेट किया है. तो वर्डूम का जो है उन्होंने उनको भी ट्रायंगल में एक बार सबमिशन दिया था. ठीक है. ही हैज वेरी गुड जिजुत्सु स्किल्स, वेरी 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 ग्रेट जिजुत्सु स्किल्स वर्डूम के पास है. तो वो अल्टीमेटली देखिए, आई लाइक केन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आई सपोर्ट हिम. ऐसा है, वर्डूम इज आल्सो अ गुड फाइटर, सो ऑफ कोर्स आई सपोर्ट हिम, बट द डिसीजन विल बी एट द एंड. ऑफ कोर्स. या तो इट आल्सो शोस कि आप चाहे जितने भी अच्छे फाइटर हो कि केज में यू हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट. इट डज नॉट मैटर कि आपने ट्रेनिंग कितनी की हुई है, इट आल्सो मैटर्स हाउ वेल यू फाइट ऑन दैट डे. ऑन दैट डे एग्जैक्टली, on that at that time. और थोड़ा सा भी स्ट्रेस फाइटर्स के जो परफॉर्मेंस जो होता है उसमें इफेक्ट कर सकता है. और अभी होजे आल्डो पे बात किया जाए तो, और ये चीज के ऊपर हमने काफी बात की है, बेसिकली ही वाज ऑन अ ह्यूज अनबीटन रन. या राइट, वो हारे नहीं थे. ही हैड बीटन मेंडेस, एडगर, फेबर, एनीबॉडी हु वाज पुट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही वाज beating. He lost to Conor McGregor, right? जो मेरा कहना है, जो मेरा मानना है, मेरा मानना है कि केज में आने से पहले ही वो हार चुके थे अपने दिमाग में.
he had lost the mental game to Conor McGregor. और मेरे हिसाब से he had lost it also because Conor McGregor क्या अंग्रेजी बात करते थे, ऑल्डो का अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से, तो वो चीजें अंदर रह गई थी. सो वो इतने ओवर ईगर थे मैकग्रेगर को बीट करने में. तो मैकग्रेगर न्यू कि एग्जैक्टली, और उसने पहले बोला भी था कि मैंने जो माइंड गेम्स खेले हैं इसके दिमाग का वो भेजा फ्राई बनाएंगे और ये ही विल कम लंजिंग टुवर्ड्स मी, यू नो ही इज गोना ओवर एक्सटेंड हिमसेल्फ. And that is what McGregor was waiting for. And like we saw, even though Aldo ka ek punch laga, but he just moved out of the way, and he got his. It was a right he got, right? Hook. And that put Aldo down. So, आपका क्या मानना है? As far as mental preparation goes, it should be, you know, of course, very strong. If not as strong as your physical training, also. यहाँ पे हमने देखा है ऑफ कोर्स दैट इट्स नॉट डज नॉट प्ले दैट मच ऑफ अ पार्ट बिकॉज़ इतना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहले इंटरेक्शन नहीं होता है वेयर द फाइटर्स कैन हैव प्ले माइंड गेम्स अगेंस्ट ईच अदर. बट इफ यू सी अब्रॉड प्लेइंग माइंड गेम्स स्पेशली विद कॉनर मैकग्रेगर कमिंग इन, द होल थिंग विद आल्डो एंड नेट डियाज एंड इवन नाउ विद अल्वारेज, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर द फेदरवेट चैंपियनशिप. अ लॉट ऑफ इट इज माइंड गेम्स वेयर वो दूसरे आदमी को दबाने की कोशिश करता है उसके बारे में कि तुझे पैसे नहीं बनाता है, तू तो बेकार है, कुछ भी बोल सकता है वो. कई बार बच्चों के बारे में भी बोल देता है. सो समटाइम्स आई पर्सनली फील दैट्स क्रॉसिंग द लाइन. लेकिन आपको क्या लगता है कि इज इट जस्टिफाइड द प्लेइंग माइंड गेम्स एंड टू विन, इज इट जस्टिफाइड और शुड पीपल शट देयर माउथ एंड जस्ट कि आप केज में आके लड़ो बस, आपको क्या लगता है? ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रमोशन फाइट, तो उसी में लोगों को थोड़ा मसाला होता है तो इंटरेस्ट आता है. बट हाँ, जो माइंड गेम, जो मेंटल गेम होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है. बिकॉज आप फिजिकली कितने भी फिट हो जाओ, सुपर फिट हो जाओ, बट इफ योर माइंड इज नॉट रेडी फॉर दैट, दैट इज इम्पॉसिबल. ऐसा तो जो 6 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है कैंप्स में, वो माइंड गेम के लिए होती है. फिजिकली फिट तो आप 1 आवर की ट्रेनिंग में भी रह सकते हो, तो 6 आवर्स की जो एक्स्ट्रा 5 आवर्स, जो एक्स्ट्रा 5% 10% आप जब देते हो 100 के ऊपर, दैट इज योर मेंटल गेम. वो मेंटल आपका जो मेंटेलिटी आती है वो स्ट्रांग हो रही है, दैट यस यू कैन डू दैट. आपको पेन हो रहा है बट स्टिल यू कैन डू दैट. तो ऐसा है, तो कॉनर मैकग्रेगर ने भी होसे एल्डो के साथ में वही किया. उसने उसके आपने एकदम अच्छा ये दिया है पॉइंट कि उसने इंग्लिश में उसको देते गया, जो भी है उसके बोल वचन देते गया और होसेल्डो को वो लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं आती, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो अपने. करेक्ट, और जैसी फाइट हुई तो वो घुस गया एंड ही ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग. तो एक बहुत अच्छा स्मार्टनेस और बहुत स्मार्ट गेम प्लान था वो कॉनर मैकग्रेगर के साइड से. तो अभी आपका फेवरेट मार्शल आर्ट्स मूवी कौन सा है? मार्शल आर्ट्स मूवीज में आप लोगे तो ऐसे तो काफी सारी मूवीज है जो देखता हूँ मैं बैक टू बैक ऐसा, लेकिन मुझे एक टाइम पे जो अच्छी फाइट्स लगी थी, जो डेनी द डॉग है, जेटली की एक मूवी है डेनी द डॉग, वो टाइम पे वो कभी ऐसा मैं रिपीट भी देख लूंगा तो ऐसा बोर नहीं होता. तो वो एक आप बोल सकते हो कि दैट्स योर फेवरेट. अभी जाने से पहले, आप हमारे साथ हैं तो जाने से पहले आपसे एक UFC 204 के बारे में एक प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आने वाला है वीकेंड पे. माइकल बिस्पिन इज द करंट चैंपियन, डैन हेंडरसन को उसने चुना क्योंकि डैन हेंडरसन ने उसको पहले हराया था. हालांकि इफ यू लुक एट द रैंकिंग्स, डैन हेंडरसन शुड नॉट बी अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग. आइदर माइकल द लुक रोकॉन शुड हैव गॉटन अ रीमैच और दे शुड हैव गिवन इट टू क्रिस वाइडमैन और इवन जकारे. बट माइकल बिस्पिंग लेट्स से वांटेड रिवेंज. इफ यू सी व्हेन डैन हेंडरसन बीट माइकल बिस्पिंग, एंड माइकल बिस्पिंग आई थिंक ज्यादा फाइटर्स उसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बातें ज्यादा करता है. माइकल बिस्पिंग वाज नॉक्ड आउट बाय डैन हेंडरसन विद वन पंच, वो बेहोश था, फिर भी डैन हेंडरसन ने आके उसको आई थिंक ही हिट हिम विद एन एल्बो, स्ट्राइक किया विद एन एल्बो बिफोर द रेफरी कुड स्टॉप हिम. तो आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स कि ये बिकॉज़ डैन हेंडरसन ने बोला पोस्ट फाइट में कि मुझे मालूम था वो बेहोश था, लेकिन जब तक रेफरी नॉट स्टॉप करे तो मेरा हक बनता है उसको मारना. रेफरी का काम है स्टॉप करना.
तो और उसने बोला मुझे मालूम था बेहोश था, लेकिन मुझे मजा आया उसको मार के, क्योंकि वो बातें ज्यादा करता है, तो उसका मुंह बंद करने में मुझे मजा आया। तो आपको क्या लगता है कि ये जायज है या ठीक है कि दूसरा आदमी चाहे आप उसको जितना भी नापसंद करें लेकिन बेहोश है और फिर भी रेफरी नॉन स्टॉप करे तो आप उसको दोबारा वो मार रहे हैं? हर किसी की अलग अलग थिंकिंग होती है सबसे ऑफ पहली कोर्स। बात। सुन के तो अच्छा नहीं लगता है, हाँ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, बट वो थोड़ा बड़ा लेवल है वैसे यूएफसी का, और मैं थोड़ा अभी उस लेवल पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होना चाहिए, जो ऐसा भी हो सकता है, देखिए उसने भी दिल की बात तो बोल दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रॉक नहीं हुआ है या नॉक नहीं नहीं हुआ है हुआ। एंड ही कैन रिकवर बिल्कुल, रिकवर बट ही सेड आई एंड न्यू कि ये बेहोश हो चुका है। या उन्होंने ऐसा कहा, दिल की बात कह दी निकल उन्होंने। गए। चलो जैसे आप देखो जो मार्क हंट है वो जब नॉकआउट करता है अगले बंदे को, वो बंदा उसको मालूम है पंच करने के बाद ये बंदा बेहोश हो गया, इससे पहले कि वो जमीन पे गिरता भी है ही ऑलरेडी नोज एंड इज ऑलरेडी वॉकिंग ऑफ। तो एक ये स्टाइल भी लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट स्पिरिट, यू नो कि दूसरा बंदा बेहोश हो गया है, मुंह मोड़ के निकल गया वो बंदा। सही। लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों फाइटर्स के बीच में आपका प्रोडिक्शन वैसे क्या रहेगा, बिस्मिंग और एंडरसन के बीच में? हसन हो सकता है उन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने उसको फाइट एंड होने के बाद भी मारा, वो हो सकता है, जो उन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि मुझे अच्छा लगा उसको मारने के लिए, क्योंकि बहुत बोलता है तो मैंने मुंह बंद कराया उसका। क्योंकि बिस्मिंग में ने अभी अभी बोला है एक इंटरव्यू में कि मैं भी उसको नॉकआउट करूंगा और बेहोश होगा और बेहोश के बाद दोबारा उसको मारूंगा, होगा यू नो। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है इस मैच में, क्योंकि बिस्मिंग नॉक्ड रॉकहोल्ड आउट एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। व्हाट डू यू थिंक कि दोनों के फाइटर्स के बीच में हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर फाइटर अकॉर्डिंग टू यू? डैन एंडरसन इज इक्वली स्ट्रॉन्गर, मतलब और माइकल बिस्पिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्गर है, ही इज अ चैंपियन। और जब एमएमए फाइट होती है यू नो वी कैन से इट्स अनप्रेडिक्टेबल, एक्चुअली इट इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन द केज, ऐसा है। और वन पंच डैन एंडरसन का अगर उन्हें लग जाए तो हो सकता है कि वो सही में फिर से बेहोश हो जाए और दोबारा रेफरी के रोकने से पहले दोबारा मारा जाए या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर डैन हेंडरसन जीत गया ही विल बिकम द चैंपियन, बट ही विल आल्सो रिटायर इमीडिएटली बिकॉज़ उन्होंने बोला कि ये मेरा लास्ट फाइट है। तो अगर जीत गए सो ही विल रिटायर इमीडिएटली एंड दोबारा वो उस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए टू पीपल विल फाइट अगेन। बट एनीवे दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और इसलिए हम लोगों को फाइट्स इतने पसंद है बिकॉज जो फाइटिंग है वो हम लोगों के नेचर में है। बेस्ट इन योर करियर एंड वी होप टू हैव यू ऑन द शो अगेन, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन द शो एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर अपकमिंग फाइट्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अप्रिशिएट इट सो मच, आई ऑल्सो अप्रिशिएट द work which has been done by the MMA India show. Thank you so much. Something new, yes. Upcoming event, and I was really surprised जब मैंने first time देखा था कि MMA India show कुछ MMA के तरफ इन्होंने initiative लिया है, तब बहुत अच्छा लगा था देख के। और आपके मैंने videos भी काफ़ी देखा हो, follow किया हो, but ये month जो मेरा training पे गया है तो इसमें थोड़ा मैं social media से दूर रहा हूँ, ऐसा है। So yeah, anyway, it's a great initiative. Rani, we hope you keep following us. Nice to you too. And thank you so much again. We hope to meet soon. And that was it. This is Praveen Dabas, the host of the MMA India show. Thanking you all for tuning in. And thank you once again to Mohammed Farhad Syed for joining us today. Thank you.